मैथ्स का सेक्शन है उसमें क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं, और किससे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो देखते हैं। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, वर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएफ, एलसीएम हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्टेटिक्स का एलिमेंट्री पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हो गए, एज हो गया, कैलेंडर, क्लॉक हो गया, और पाइप एंड सिस्टम, ये मैथमेटिक्स के लिए है। अब बुक की बात करूँ तो मैथमेटिक्स के लिए आप बेसिक बुक के लिए आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, साथ में कुछ नोट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सेम रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में एनालिटिकल, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज हो गई, एनालॉजी हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, मैथमेटिकल ऑपरेशन और रिलेशनशिप हो गए, सिलोजिज्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा वीन डायग्राम हो गया, जम्बलिंग हो गई, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सोफेंशी हो गई, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग में इनपुट आउटपुट आ जाता है वो हो गया, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट वाले पार्ट जो होते हैं, अरेंजमेंट, आर्ग्यूमेंट हो गया, अजप्शन हो गया, ठीक है, कंक्लूजन हो गया, तो ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए भी बुक आप आर एस अग्रवाल प्रेफर कर सकते हैं, मोटी वाली, उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों रहेगा, काफ़ी अच्छी बुक है, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सही रहेगी आपके लिए, और लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आपको परचेस करना है तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। जनरल साइंस की बात कीजिए तो देखिए इसमें लिखा है 10th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस रहेगा, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहेगा, तो 10th लेवल का रहेगा। इसके लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा 5000 क्वेश्चन की, तो आप वो पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा साइंस लगभग कवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस बोला है करंट अफेयर पे, तो कम से कम आप मान के चलिए 8 से 6 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, और करंट अफेयर किस पे फोकस होना चाहिए, स्पोर्ट्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पे, ठीक है। तो ये आपको बेसिक पढ़ना ही पढ़ना है। इसके लिए आप कोई भी मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं या फिर नोट्स ले सकते हैं मेरे से, ठीक है। इसके अलावा आप लूसेंट भी फॉलो कीजिए, ठीक है, लूसेंट से भी आप साइंस पढ़ सकते हैं, और बाकी सेक्शन भी थोड़ा सा पढ़ के रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। चलिए अब देखिए जो पहली स्टेज में क्वालिफाई होगा वही सेकेंड स्टेज के लिए एप्लीकेबल होगा, और जो वैकेंसी बोला है 15 times बोला है वैकेंसी की आपको सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। जैसे 300 वैकेंसी हैं तो 300 का 15 गुना हो गया, 4500 लोगों को ही केवल किसके लिए क्वालिफाई किया जाएगा, सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब देखिए सेकेंड स्टेज में दो पार्ट हैं, पार्ट वन है और पार्ट टू है, पार्ट ए और पार्ट बी करके है, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा टोटल, 2 घंटे 30 मिनट का होगा, ठीक है। अब पेपर वन जो है, मतलब पार्ट वन जो है उसमें आपको मार्क्स लाने हैं, और पार्ट बी जो है उसमें केवल क्वालिफाइंग करना है आपको, ठीक है। अब जैसे पार्ट ए की बात करें तो 90 मिनट का होगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, यही आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे, पार्ट ए ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा, फाइनल है। पहले स्टेज केवल क्वालिफाइंग था, आप वो क्वालिफाई करेंगे तो दूसरे स्टेज में आएंगे, फिर दूसरे पेपर में दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए आपकी मेरिट डिसाइड करेगा, पार्ट बी जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। चलिए अब देखिए सिलेबस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था वही है जो प्री का सिलेबस है, एज इट इज सेम। रीजनिंग का भी वही सिलेबस है, एज इट इज सेम। अब देखिए चेंजेस कहाँ पे हुए हैं इसमें, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में यहाँ पे चेंजेस हो गए, ठीक है, वो देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। अब देखिए इसमें चेंजेस जो है, यहाँ पे इंजीनियरिंग के बेसिक सब्जेक्ट आ गए हैं, जैसे इंजीनियरिंग ड्रॉइंग आ गया है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक एंड रिप्रेजेंटेशन, ये आ गया। इसके अलावा यूनिट्स हो गई, मेजरमेंट्स हो गए, मास, वेट एंड डेंसिटी के बारे में, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लीवर एंड सिंपल मशीन के बारे में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में, एनवायरमेंट एंड एजुकेशन और आईटी लिटरेसी के बारे में, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो वो मैंने पहले ही बताया, करंट अफेयर पे बेस पूछ रहा है केवल, तो करंट अफेयर पे बेस भी क्या पूछेगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड पर्सनालिटी के बारे में, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स के बारे में। अब पार्ट बी की बात करें तो ये आपका ट्रेड से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, ठीक है, आपका जो ट्रेड है, आपकी जो आईटीआई है, आपकी जो डिग्री है, उससे रिलेटेड ये रहेगा। ड्यूरेशन जो रहेगा इसका 60 मिनट का रहेगा, ठीक है।
और क्वेश्चन जो रहेंगे 75 रहेंगे, केवल आपको क्वालिफाई करना है, 35% क्वालिफाई मांगा है मार्क्स, ठीक है, तो इतना आपको मिनिमम लाना है। और इसके लिए आप डायरेक्टर जनरल की ट्रेनिंग वेबसाइट पे डिटेल सिलेबस देख सकते हैं, और सिलेबस अकॉर्डिंग टू रहेगा जो आपकी क्वालिफिकेशन है। जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो ये स्ट्रीम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें वो दिया है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन हो गया, रेफ्रिजरेशन, और इससे रिलेटेड आपको सिलेबस हो सकता है। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो टीवी से रिलेटेड सिलेबस हो सकता है। सेम मैकेनिकल के लिए फिटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीन डीजल हो गया, इसके लिए आपको सिलेबस हो सकता है, तो यहाँ पे सिलेबस रहेगा। अब तैयारी कैसे करनी है, देखिए अप्रैल के और मई के आसपास में स्टेज वन का एग्जाम रहेगा, ठीक है, तो तैयारी कैसे करनी, आप दो चीज़ डेली करते चलिए, मैथ्स और रीजनिंग डेली करिए, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग आपको डेली करना है, साथ में साइंस वाला सेक्शन भी आप साथ में करते चलिए, तो 2 घंटे मैथ्स बनाइए, 1 घंटा रीजनिंग बनाइए डेली, और 1 घंटा साइंस पढ़िए, और 1 घंटा करेंट अफेयर पढ़िए। आपको 5 घंटे निकालने हैं और ज़्यादा नहीं निकालने, ठीक है, फिलहाल अभी इतना कीजिए। उसके अलावा मैथ्स में मैं डेली वीडियो आपको अपलोड करते मिलेंगे, आपको मैथ्स के भी मिलेंगे डेली, रीजनिंग के भी डेली अपलोड होंगे, और साइंस के भी आपको डेली करेंगे, आप वो भी देखेंगे तो आपका उससे भी कवर हो जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।